लगता है बाबाओं पर इन दिनों शनि मंडरा रहे हैं, क्योंकि अब दाती महाराज जो कि शनि के भक्त माने जाते हैं और दिल्ली के फतेहपुर बेरी में उन्होंने शनि धाम की स्थापना की, उनके खिलाफ भी रेप के आरोप तय हुए हैं। पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2 साल से एक शिष्या का उन्होंने रेप किया। पुलिस ने हालांकि जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे पीड़िता की तरफ से, उसी आधार पर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। 376, 377, 354 और 34 के तहत पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपना बयान भी दर्ज करवा दिया है और पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात ये कि पीड़िता ने पुलिस के सामने बताया कि 2 साल पहले जब उसके साथ रेप की वारदात हुई थी तभी उसने इसकी जानकारी अपने पिता को दी, लेकिन पिता ने उल्टा इसकी शिकायत करने की जगह दाती महाराज के आश्रम में ही उसे छोड़ दिया। पीड़िता ने एक और गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने यह भी कहा कि ये वो कोई पहली लड़की नहीं जिसके साथ दाती महाराज ने यह हरकत की हो, बल्कि आश्रम में रहने वाली और भी कई शिष्याओं के साथ दाती महाराज रेप कर चुके हैं। हालांकि हाल के दिनों में बाबाओं के खिलाफ जो ऐसे मामले सामने आए उससे धार्मिक आस्था को बहुत हद तक ठेस पहुंची है। एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, वीरेंद्र देव दीक्षित से लेकर आसाराम, साई नारायण और गुरमीत राम रहीम तक, अब इसमें एक नया नाम दाती महाराज का जुड़ गया है। अगर दाती महाराज के खिलाफ आरोप सही साबित होते हैं तो उनके शनि धाम में जो हजारों भक्त हर दिन पहुंचते हैं उनकी आस्था भी टूट जाएगी। आस्था के नाम पर पहले आश्रम बनाना और फिर भोली भाली लड़कियों के जिस्म से खेलना, इन बाबाओं की क्या आदत सी बन गई है? लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं।